दोस्तों मैं हूँ फिलहाल इंदौर के पास, मतलब इंदौर डिस्ट्रिक्ट में हूँ, इंदौर में ही हूँ। टिंचा नाम की जगह पे आया हूँ, टिंचा वाटरफॉल बोलते हैं इसको। अभी आपको दिखाता हूँ कैसा नज़ारा है यहाँ पे और किस तरीके से नज़ारा है। पीछे पब्लिक जमा है क्योंकि दिन है संडे का। चलो मैं वाटरफॉल दिखाता हूँ आपको सबसे पहले बिना देर किए। बंदर है, जबरदस्त नज़ारा है यहाँ पे। पब्लिक बहुत ज़्यादा है, संडे को होती है एज यूजुअल हर एक स्पॉट में। क्या हुआ, तैयारी में बैठा, कुछ खाने को मिलेगा, क्या हुआ है? कुत्ते भी हैं और बंदर भी हैं। अरे यही खा लेना, देखना कुत्ते और बंदर आसपास हैं। खा पी के यही निपटा लेना। पब्लिक खूब आई हुई है, थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना है अपने को, स्लीपर वगैरह पहन कर नहीं आए क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ढाल है। अगर बारिश थोड़ी सी भी तेज़ होगी तो पूरी मिट्टी चिकनी हो जाएगी और आपको चलने में दिक्कत होगी, स्लिपरी होगी। गवर्नमेंट ने बैरिकेडिंग लगाई हुई है फिर भी लोग वहाँ तक गए हैं। अगर आप देखोगे तो लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ के आगे तक गए हैं, जो कि काफ़ी रिस्की हो सकता है क्योंकि इसके डायरेक्ट फॉल है कई फीट की, पत्थर भी हैं काफ़ी नीचे, तो चोट लगने खतरा। बच्चों के साथ तो बिल्कुल जाना नहीं क्योंकि बच्चे फिर भूल जाते हैं कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आ गया हूँ मैं कार में वापस, टिंचा वाटरफॉल गया था, काफ़ी बारिश हो रही है बाहर। और एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगी यहाँ पे, वो ये थी कि इतनी ज़्यादा गंदगी करी हुई है लोगों ने, जो यहाँ के सेलर हैं, भुट्टा बेच रहे हैं या फिर नमकीन बेच रहे हैं कोई भी, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पानी, कुछ भी अरेंजमेंट कूड़े का नहीं है, जबकि उन्होंने रोज़ वहाँ पर दुकान लगानी है। एज ए टूरिस्ट हम लोग बहुत ही मतलब गैर जिम्मेदार लोग हैं, चाहे इसमें मैं भी हूँ या कोई और भी है, कोई ख्याल नहीं रखता है, देखना सबको है, सुंदरता सबको है, सबको गाली भी देनी है, मैं शिकायत कर रहा हूँ आप लोगों से। पर मैंने यहाँ पे कुछ भी ख़रीदा नहीं, ना ही कुछ खाया, एक ये पानी की बोतल ख़रीदी है जो कि मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। इसके अलावा ना कुछ ख़रीदा ना कुछ खाया, बहुत ज़्यादा गंदगी है, मैनेजमेंट नहीं है, लोग रेलिंग पार कर रहे हैं, कुछ हो जाता है हादसा तो शायद सरकार जिम्मेदार हो जाती है, लेकिन वो चीज़ सही नहीं है। तो गाने बंद कर दो। क्या माहौदी? चलो भाई माहौदी वाटरफॉल, मध्य प्रदेश के आप गांव देख लीजिए, मध्य प्रदेश के गांव।
बोल रही थी उसने उसने लकड़ी बोला था लकड़ी उधर उधर भी लकड़ी अरे बाप रे इका लंग के जाना है चलो बंदर है आगे बोल रहा बंदर बड़ी दिन बाद पुरानी गली याद आई भैया बचपन याद आया नहीं इससे गंदा नहीं फरका वाला फरुखाबाद वाला मुंबई के उत्तरवाड़ी में रहा हुआ वो तो कहीं जा रहा है यहाँ स्पीड ब्रेकर कौन बना सकता है अबे चल भाई चलो अभी अभी सीरियसली गोइंग यस आई एम हां मैं गजरो को इधर आ जा इधर आ जा हट जा हट जा इधर आ जा हम लोग अगर जा रहे हैं माहुदी वाटरफॉल अभी वाटरफॉल की जगह हो रही है मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग दिखाते हैं आप सबको जूते चिपक रहे हैं चलना बहुत मुश्किल हो रहा है पूरी कीचड़ है और इस तरफ से लेके इस तरफ तक खेती खेत है वाटरफॉल का तो नज़ारा नहीं है आ जाओ धीमे धीमे आ जाओ रास्ता ऐसा है कि आपके जूते चिपक जा रहे हैं मेरे शूज़ की हालत आप देखो पूरी हालत ख़राब हो चुकी है ये भाई साहब आ रहे हैं हमारे की कंडीशन बहुत ख़राब है हम लोग गलत रास्ते से शायद आ गए हैं पता नहीं क्या है भैया यहाँ से स्लिपरी नहीं है और वो कहते नीचे बहुत खूबसूरत है 15 मिनट लगेंगे पहुँच जाओ अच्छा पर भी बहुत चढ़ी ले लो डंडी तोड़ लो साफ कर लो हम लोग गलत रास्ते से आ गए हैं हाँ चलिए हाँ गूगल तो ये रास्ता दिखा रहा है गूगल हो गया पागल बाप रे नहीं नहीं वहाँ नहीं जाएंगे बहुत रिस्की ज़्यादा नहीं जा तो रहे हैं ये लोग पहुँच गए वहाँ तक अरे नीचे जाना है पूरा ये है तो यहाँ से रोज की एक्टिविटी होगी वो है झरना झरना का बेसिकली ऊपर का हिस्सा है झरना जो है वो यहाँ से आगे जाके है काफ़ी इस रोड से आगे जाके तो इसमें क्या है कि अभी शूज़ बहुत स्लिप हो रहे हैं और हमें आज वापस भी जाना है सिलवासा के लिए तो हम आगे नहीं जा रहे हैं हम लोग वापस जा रहे हैं लोग यहाँ के थोड़े से गड़बड़ दिखे मुझे गाँव के वैसे होता नहीं है जनरली 99% केसेज में नहीं होता है होता नहीं है गाँव में जनरली ऐसा वहाँ टोक रही है कि आप अपनी मेरी झोपड़ी में क्यों बैठ रहे हो और क्यों कर रहे हो ऐसा तो ये सब चीज़ें हैं अभी हम लोग वापस जा रहे हैं गाड़ियों के पास अपने शूज़ पूरे मिट्टी में सन चुके हैं इनको भी साफ़ करना पड़ेगा ये भगवान चलो गिरेगा मुंह के बल आता हूँ डंडी नहीं चाहिए यार को काटे उसमें लग जाएगी उल्टा किसी को नहीं पता डंडी है अरे किसी को नहीं पता ये डंडी है एक्चुअली डंडी को भी नहीं पता वो डंडी है एक्चुअली डंडी को भी नहीं दिखाना था कि मैं एक पेड़ को पकड़ के ऊपर आया इफेक्ट दिया था मैंने इफेक्ट दिया था कीचड़ की हालत देखिए आप कीचड़ आज मैं बहुत दिन बाद घर की याद आ गई फरुखाबाद के पुराने मोहल्ले की अपने यहाँ से शुरू किए थे जहाँ से मैं फलंगा था वहाँ से और सब लोग हमारे साथ आ गए वापस बगैर देखे फेंक दी तो हम लोग जा रहे हैं वापस बहुत ज़्यादा कीचड़ थी जाना सही नहीं था आगे टाइम भी हमारे पास कम था बताया तो मैंने आपको कैसा लगा तुम्हें गांव गंदा था अच्छा था लोग गंदे लोग इन्हें पसंद नहीं आए गांव अच्छा था खड़ूस थोड़ा खड़ूस ये वो चढ़ाई था ना यहाँ से पत्थर लग रहा था उधर जाना हम लोग इधर आ गए अरे उल्टा आ गए हम लोग उधर उधर भी चलो ना गाड़ी उधर खड़ी है अच्छा देखने के लिए कागज किधर से देखना है बेटा तुम झरना जाना क्या झरना तो गए पर झरना जो है वो ऊपर का हिस्सा है ना सामने से देखने के लिए किधर से विजय पेड़ जाना अपने इधर घूम को आना पड़ेगा पूरा बहुत लंबा है ना हाँ यार पैदल ही सारा तो दोस्तों आ गया हूँ मैं घर पे वापस और हम लोग सारा ट्रिप कंप्लीट हो गया है बाहर बहुत शोर है बच्चे खेल रहे हैं शाम का टाइम है
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अभी तो मेरा नया चैनल है, सपोर्ट करो यार। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, फोटो अगर देखनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, आईडी आपकी स्क्रीन पे है। गुड बाय।